आप लोगों का स्वागत है सिंपल लाइफ विद मधु में। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? यहाँ पे मॉर्निंग की चाय के लिए अदरक कूटा जा रहा है, पानी गर्म करने रख दिया है। तो चाय ब्रेकफास्ट करने के बाद बालकनी की साफ़ सफाई चल रही है, क्योंकि मुझको यहाँ पे ना अभी गेहूँ सुखाना है और काव्या भी ना मेरे आगे पीछे घूम रही है। बच्चे तो करते ही ऐसा है, जहाँ जहाँ मम्मी जाएगी वहाँ वहाँ बच्चे जाएंगे। वैसे अभी तो इसे स्कूल जाना था, लेकिन वही कोरोना की वजह से सब ऐसे ही हो गया। और काव्या ना बहुत इंटरेस्ट लेती है, जब मैं कभी गेहूँ सुखाती हूँ ना उसको बहुत मज़ा आता है। और दोस्तों पता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार शादी से पहले तो ये सब कभी करा ही नहीं, और शादी के बाद देखो क्या क्या करना पड़ जाता है। और पहले जो सब्जी बनाने नहीं आती थी, रोटी बनाने नहीं आती थी, और आप देखो हम क्या क्या बना लेते हैं। तो शादी तो मुझे लगता है सब सिखा देता है। तो यहाँ पे गेहूँ वगैरह मैं खाली कर रही हूँ टब में, इसको धोना है अच्छे से। धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें धूल धक्कड़ लगे रहते हैं, तो इसीलिए इसको धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसको मैं धो दूँगी अच्छे से। और काव्या पता है बहुत देर से वेट कर रही है कि मम्मी कब गेहूँ फैलाएगी और मैं कब मम्मी की साथ उसकी हेल्प करूँगी। तो वो मुझे बार बार भूल ही जा रही है कि रखो रखो रखो। तो फाइनली मैंने यहाँ रख दिया है, और देखो काव्या भी मेरे साथ पूरा हेल्प कर रही है। तो कभी कभी तो अच्छा लगता है बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन कभी कभी ना सच में बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं, ऐसा दिमाग ख़राब कर देते हैं ना। तो ये तो चलता ही रहता है। और अभी आप आगे देखोगे काव्या की कुछ ऐसी हरकतें जिसमें ऐसा मन करता है अरे यार क्या हो रहा है ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना मास्क वगैरह लगा लिया है, क्योंकि मुझे नीचे जाना है सब्ज़ी लाने के लिए और काव्या ऊपर ही रहेगी। तो मैं सब्ज़ी वगैरह लेके आ चुकी हूँ, और जो उस सब्ज़ी वाले ने मुझे चेंज वगैरह दिए थे ना, उसको मैंने यहाँ सैनिटाइज़ वगैरह कर दिया है। सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। काव्या मुझसे बैलून मांगने आई थी, तो मैं उसको बैलून दे रही हूँ। उसके बाद मैं स्लैब वगैरह को यहाँ पोछूँगी। मैंने नहीं पोछा था, बाकी काम तो मैंने कर दिया था किचन का, जैसे बर्तन वगैरह, बस स्लैब वगैरह रह गई थी। और मैंने ना चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर दिया था, बस स्लैब वगैरह साफ़ नहीं किया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लेके आई थी ये देखो हमारे गांव का खीरा है, ऐसे ही होता है हमारे गांव में खीरा, और ये सब्ज़ियाँ लेकर आई थी। और अब मेरा थोड़ा रेस्ट टाइम है, तो रेस्ट टाइम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आजकल जब लोग मोबाइल चलाते हैं तो इसी को रेस्ट कहते हैं, तो वहीं मैं काम कर रही हूँ। और यहाँ पे कपड़े पूरे फैले हुए थे, तो कपड़े तय कर रही हूँ अपने अलमीरा की। और ये प्लास्टिक जो देख रहे हो आप, बैग्स रखे हैं यहाँ प्लास्टिक के, इसमें सब में मेरी साड़ियाँ रखी हैं, तो ये मुझे ना सेट करनी है। और ये बचे हुए कुछ कपड़े हैं जो बेकार हो चुके हैं, तो इनको मैं चादर वाले को दूँगी। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ अपनी साड़ियाँ वगैरह, यहाँ से निकालना थोड़ा ईजी रहता है मेरे लिए वहाँ उसके कंपेयर में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काव्या को इसके अंदर घुस गई है। और सच में दोस्तों इस समय ना कपड़े रखना मेरे लिए इतना आफत का काम हो गया था, क्योंकि काव्या ना अपने भी कपड़े निकाली जा रही थी, क्योंकि उसके कपड़े भी यहीं पे रखे हैं, उसकी फ्रॉक वगैरह यहीं पे रखी हैं सब। तो वो निकाल निकाल के मुझको दे रही है कि मम्मा ये पहनाओ, मम्मा वो पहनाओ। और मैं उसको रखी जा रही हूँ बार बार कि नहीं नहीं ये नहीं पहनाना है, अभी गर्मी का टाइम है, क्योंकि इतने भारी भारी फ्रॉक है, ये पहन के क्या करेगी। लेकिन उसकी ज़िद है ना कि नहीं पहनना है पहनना है, तो वो ज़िद करी जा रही है। लेकिन तभी कभी कभी ऐसा लगता है कि दोस्तों बच्चे इतना परेशान कर देते हैं ना, मन करता है कि सब छाड़ के चले जाओ कहीं पर, फिर होता है कि कहाँ जाएं। तो बस ये देखो फ्रेंड्स, फिर आ गई, ये देखिए नीचे लेट गई, क्योंकि उसने रोना धोना स्टार्ट कर दिया है। तो बस फाइनली फिर मैंने हार मान ली और उसको मैंने वो कपड़ा पहना ही दिया, ताकि थोड़ा चुप तो हो जाए। मैंने यहाँ गेहूँ सुखा रखे हैं, धूप भी हो रखी है, बारिश भी हो रही है, क्या अजब करिश्मा हो रखा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले कैमरा कर लेती हूँ सेट। तो दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब, कैसे हैं आप सभी? और घर का ना सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, लंच भी मेरा बन चुका है, बस चावल चढ़ाना है मैंने। और तो ब्लॉग में आपने स्टार्टिंग में देखा कि काव्या किसी किसी बीच में आती है कामों में, सच में वो डेली आती है। तो साड़ी में ब्लॉग बनाना कभी कभी बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए। आज मैं सोच रही थी कि साड़ी पहन के ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे काम थे। आपने देखा होगा जैसे गेहूँ धोना और
सीढ़ी वगैरह की साफ सफाई मैंने मॉर्निंग भी कर दी थी और फिर सब्जी वगैरह नीचे लेने जा। तो ये सब काम ना साड़ी में करना बहुत टफ होता है, जो करते हैं उनको सच में सैल्यूट है, क्योंकि साड़ी में काम करना इतना ईजी नहीं है जितना ईजी दिखता है। तो पर मैं आज नहीं कर पाई साड़ी वाला ब्लॉग, कोई नहीं, कल लेकर आऊँगी। और जो लोग मेरे ब्लॉग पसंद करते आ रहे हैं तो वो मेरे ऐसे ब्लॉग भी पसंद कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और, मुझे ना एक रिक्वेस्ट आ रही है बहुत समय से, और मेरी एक खास सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि एक टिकलिंग वीडियो बनाइए। तो मैं आज थोड़ा सा उसका क्लिप दिखा रही हूँ आपको। मैं मतलब मुझे ना ऐसी वीडियो मतलब बना नहीं पाती हूँ, तो फाइनली आज मैं थोड़ी सी क्लिप बना रही हूँ। तो चले देखते हैं काव्या के साथ बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम दोनों तैयार हैं टिकलिंग चैलेंज करने के लिए। तो काव्या, आर यू रेडी? तो मैं काव्या को यहाँ पे हंसाने की पहले कोशिश करूंगी, देखते हैं काव्या हंसती है कि नहीं। काव्या नहीं हंस रही है, माय गॉड, इसको चैलेंज पता है। देखा फ्रेंड्स, काव्या कितनी स्मार्ट है, उसको पता था कि चैलेंज यहाँ पे मैंने रखा है कि मम्मा टिकलिंग करेगी उसको हंसना है, अगर वो हंसती है तो वो आउट जाती है, अगर नहीं हंसेगी तो वो आउट नहीं होगी। और वो बिल्कुल भी नहीं हंसी, वो पूरी कोशिश करती, जबकि बिल्कुल हंस जाती है, ये हंस जाती है जब इसके साथ टिकलिंग करो ना, हंस जाती है, पर ये अभी कर नहीं रही है। जब चैलेंज स्टार्ट हुआ ना तो बिल्कुल भी नहीं करा इसने, देखा दोस्तों। तो काव्या, यू वॉन द चैलेंज, काव्या जीत चुकी है, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू बेबी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हो अपने नेक्स्ट वीडियो में, कैसे लगे आपको जरूर बताना। अगर अच्छी लगेगी चैलेंज वाली वीडियो तो मैं इसका पार्ट टू भी लेके आ सकती हूँ, जिसमें सिर्फ मैं और काव्या टिकलिंग चैलेंज जीत करके दिखाएंगे। बाय बाय।